हाय फ्रेंड्स, सब्जेक्ट इन्फो में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमारे जो भी फ्रेंड्स आईटीआई किए हुए हैं या एमएलटी मतलब मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स किए हुए हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका दिया गया है दक्षिणी रेलवे के द्वारा अप्रेंटिस करने का। क्योंकि फ्रेंड्स, रेलवे में आने वाला वैकेंसीज ग्रुप डी जैसे पोस्ट के लिए अब आईटीआई कंपलसरी कर दिया गया है, और आईटीआई के साथ जो भी फ्रेंड्स अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं वो भी रेलवे से, तो उनको 20% एक्स्ट्रा में वेटेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम पूरी डिटेल्स में आपको बताएंगे। आप जो हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाला सभी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, हम रिक्वेस्ट करते हैं जो भी हमारे फ्रेंड्स आईटीआई या एमएलटी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन कोर्स किए हुए हैं उनसे कि आप जो हैं इस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर भरें, ताकि इसको मिस ना होने दें, हाथ से निकलने ना दें। क्योंकि फ्रेंड्स, आप रेलवे में जितनी भी वैकेंसीज आएगी ना, सब में जो है आपको अप्रेंटिसशिप वाले को जो है 20% रिजर्वेशन दिया जाएगा लेवल वन के अकॉर्डिंग। जो है लेवल वन के अकॉर्डिंग जितने भी पोस्ट आएंगे फ्रेंड्स, उसमें सब में आपको जो है 20% दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, स्पेशली हम बात कर लेते हैं ग्रुप डी की, तो ग्रुप डी में जो है फ्रेंड्स जितने भी पोस्ट आएंगे उसमें से 80-90% जो है टेक्निकल पोस्ट आएंगे जो कि आईटीआई वाले फिल करेंगे। 10-20% पोस्ट जो है फ्रेंड्स वो नन आईटीआई वाले फिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मौका है। कुछ दिन पहले जो वेस्टर्न रेलवे ने निकाला था अप्रेंटिसशिप करने के लिए, अब जो है दक्षिणी रेलवे ने भी निकाल दिया। तो आपको जो है बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका दिया है रेलवे ने अप्रेंटिस करने के लिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे 3000 से भी प्लस वैकेंसीज हैं जो कि आप फिल कर सकते। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/10/2022 से स्टार्ट हो चुका है, और ये जो है फ्रेंड्स 31/10/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। कुछ देर में फ्रेंड्स हम जो है अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का भी जो है आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, आप वो भी देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं वैकेंसीज की, किसमें कौन सा ट्रेड में कितना वैकेंसीज हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फ्रेशर कैटेगरी के लिए, जो फ्रेशर मतलब फ्रेंड्स जो रिसेंटली जो है आईटीआई पास किए हुए हैं, उनके लिए जो है यहाँ पे दिया गया है फिटर के लिए, वेल्डर के लिए और पेंटर के लिए। टोटल जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 90 पोस्ट है। उसके बाद जो है फ्रेंड एमएलटी जो रेडियोलॉजी से किए हैं, एमएलटी जो पैथोलॉजी से किए हुए हैं, एमएलटी जो है कार्डियोलॉजी से किए हुए हैं, उनके लिए जो है 20 है। और यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल जो है 110 है फ्रेंड्स वैकेंसीज। उसके बाद जो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा एससी एसटी ओबीसी यूआर किस में आप आते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक्स आईटीआई कैटेगरी की बात करते हैं, एक्स आईटीआई कैटेगरी की बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो 2022 के पहले किए हैं वो फ्रेंड्स वो एक्स आईटीआई कैटेगरी में आते हैं। तो उनके लिए जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है कैरेज एंड वैगन वर्क्स में उनके लिए जो है फ्रेंड्स कैरेज एंड वैगन वर्क्स पेराम्बूर में कितना सीट अवेलेबल है देख लीजिए। कारपेंटर के लिए, फिटर के लिए, एम बी के लिए और पेंटर के लिए, पासा के लिए, मैकेनिक्स के लिए, वेल्डर के लिए टोटल जो है 360 पोस्ट है फ्रेंड्स। आप जो है अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप पेराम्बूर में ही यहाँ पे जो है इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स और पाशा आर एंड एसी वायरमैन टोटल जो है यहाँ पे वैकेंसीज हैं 130 फ्रेंड्स। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और आपके लिए कितना सीट अवेलेबल है वहाँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है लोको वर्कशॉप पेराम्बूर में ही आप देखिए यहाँ पे फिटर, पेंटर, पाशा और वेल्डर के लिए जो है 214 पोस्ट अवेलेबल हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे डी नंबर कॉलम में चलते हैं इंजीनियरिंग वर्कशॉप अराकोनम में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फिटर, मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर के लिए जो है टोटल 67 पोस्ट अवेलेबल हैं। चेन्नई डिवीजन में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एडवांटेज वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर के लिए जो है टोटल 58 पोस्ट वैकेंसीज हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे चेन्नई डिवीजन की बात करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, फिटर और ये सब दोनों पोस्ट में जो है 68 वैकेंसीज हैं चेन्नई डिवीजन में। फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल जो है कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर के लिए 47 पोस्ट खाली है। उसके बाद जो फ्रेंड्स चेन्नई डिवीजन की बात करते हैं, फिटर में टोटल 27 पोस्ट अवेलेबल हैं। उसके बाद चेन्नई डिवीजन सी एंड डब्ल्यू में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फिटर का जो है 190 और वेल्डर का जो है 40। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे मैकेनिक्स का जो है 7, टोटल यहाँ पे फ्रेंड्स 237 पोस्ट अवेलेबल हैं। फिर चेन्नई डिवीजन में फ्रेंड्स यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन
के लिए 13 और फिटर के लिए 3, वेल्डर के लिए 6, टोटल 22 पोस्ट अवेलेबल हैं। रेलवे हॉस्पिटल पेरम्बूर में फ्रेंड्स यहाँ पे जो है पाशा के लिए 3 पोस्ट अवेलेबल हैं, टोटल 3 पोस्ट अवेलेबल हैं यहाँ पे। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल एक्स आईटीआई की बात करते हैं, यहाँ पे 1233 पोस्ट अवेलेबल हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है। रेलवे के द्वारा दी गई वैकेंसीज बहुत ही अच्छी खासी हैं फ्रेंड्स, और जो है बहुत ही अच्छी मौका भी मिला है जो आईटीआई करके बैठे हुए थे। और फ्रेंड्स यहाँ पे टोटल की बात करते हैं, फ्रेशर के लिए जो है 110 टोटल पोस्ट हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स आईटीआई की बात करते हैं, 1233 पोस्ट हैं, जिसमें से टोटल पोस्ट फ्रेंड्स हो जाता है 1343 वैकेंसीज हो जाते हैं कि जो अवेलेबल हैं, जो कि करंट में पास किए हुए फ्रेंड्स उनके लिए 110 है, और जो 2022 के पहले आईटीआई पास किए हुए हैं उनके लिए 1233 पोस्ट हैं। तो फ्रेंड्स आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो है अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फ्रेशर के लिए जो है पेंटर, फिटर, वेल्डर के लिए जो है आपको 10th में जो है 50% मार्क्स होना चाहिए, या तो 10th प्लस 2 पास हो या तो अपियरिंग हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और कार्डियोलॉजी में जो है आपको 10 प्लस 2 में 50% मार्क्स होना चाहिए, या तो आप जो है फिजिक्स या केमिस्ट्री से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर अपियरिंग है पास है तो कोई बात नहीं है, आप फॉर्म को अब फिलअप कर सकते। उसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स आईटीआई की बात करते हैं, जो कि 2022 के पहले आईटीआई किए हुए उनका जो है फ्रेंड्स इसमें ट्रेड आता है फिटर, मैकेनिक्स, एमबी, ट्रेनर, डीजल मैकेनिक्स, कारपेंटर, पेंटर, वेल्डर, वायरमैन, एडवांस वेल्डर एंड आरएसी। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया कि शुड है पास 10th क्लास, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में आपको 10th पास होना अनिवार्य है। उसके बाद जो फ्रेंड्स 10 प्लस 2 और आईटीआई कंपलसरी होना चाहिए, जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। इसमें भी यही बताया गया है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रीशियन के लिए कितना मार्क्स 10th में होना चाहिए, 50% सब में जो है मिनिमम मार्क्स होना चाहिए 10th में। उसके बाद जो 10 प्लस 2 में कहीं कोई रिक्वायर्ड नहीं किया गया है कि आपका कितना मार्क्स है। उसके बाद जो है अगर आप ईयरिंग हैं तो आप भर सकते हैं, अगर पास हैं तो भी भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक्स आईटीआई में जो है फ्रेंड्स आपको पास होना ज़रूरी है, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा गया है मिनिमम 50% मार्क्स इन एक्स स्टैंडर्ड, मतलब दसवां में, अगर एससी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अगर नहीं लाए हैं तो उनके लिए कोई ये अप्लीकेबल नहीं है, उससे कम भी है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है पीरियड ऑफ ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं। फ्रेशर के लिए जो है फ्रेंड्स वेल्डर के लिए जो है 1 साल 3 महीना होने वाला है, और जो है फिटर एंड पेंटर के लिए फ्रेंड्स 2 साल होने वाला है। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 1 साल 3 महीने का ट्रेनिंग पीरियड होगा फ्रेंड्स, इतना दिन आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है एक्स आईटीआई कैटेगरी वालों का भी जो है सेम एज इट इज ऐसे ही ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टाइपेंड का रेट देख लेते हैं, क्या रेट है, स्टाइपेंड कितना महीना मिलेगा। फ्रेशर जो है 10th लेवल वाले के लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे जो 10th के बाद आईटीआई किए हुए उनको 6,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, और फ्रेश में ही जो फ्रेंड्स 12th के बाद जो आईटीआई किए हुए या 12th भी किए हुए तो उनको 7,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स एक्स आईटीआई वालों को 7,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। और ये फ्रेंड्स जो है 6,000 से 7,000 रुपया जो दे रहे हैं फ्रेंड्स, ये अपना सेल्फ एफोर्ड के लिए दिया जाता है कि आप जहाँ पे रहिएगा वहाँ पे खर्च होगा, तो वो चीज़ आप जो है ट्रेनिंग के साथ साथ खर्च भी होता है फ्रेंड्स, तो वो जो है रेलवे के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद जो फ्रेंड्स आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, उसमें मार्क्स रहेगा कि आप जो है ट्रेनिंग के दौरान कितना मार्क्स जो है वहाँ पे गेन किए हैं, वो मार्क्स देगा। उसके बाद जो फ्रेंड्स आप ग्रुप डी का जो वैकेंसी आएगा उसमें आपको मार्क्स लिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको 20% जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चीज़ को मिस नहीं कीजिएगा फॉर्म भरने के लिए। और फ्रेंड्स यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं, मिनिमम एज जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 15 साल रखा गया है, और मैक्सिमम जो है फ्रेंड्स 22 से 24 रखा गया। उसके बाद जो फ्रेंड्स यहाँ पे ओबीसी के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और एससी एसटी के लिए 5 साल दिया गया है, और जो फ्रेंड्स यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिजेबिलिटी है उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो है रिजर्व और ओबीसी के लिए 100 रुपया चार्ज रखा गया है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा गया नहीं है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हुआ होगा, और हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे। और फ्रेंड्स चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ।
और बने रहिए हमारे YouTube चैनल ABS Info के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।